गुड मॉर्निंग सर। इधर ऐसे गुड मॉर्निंग कौन बोलता है? और दोपहर में गुड मॉर्निंग हो रहा है तुम्हारा? सर सुनिए ना, खिसिया से कहा है सर, गुड मॉर्निंग हो रहा है सर। जब हम सर, चलो फिर होमवर्क दिखाओ अपना। ये लीजिए सर, ये तो पूरा प्लेन है, ये तो पूरा खाली है। तुमने होमवर्क कहाँ किया? किया ही नहीं तुमने होमवर्क। सर हम तो अपना होमवर्क कर लिए, होमवर्क का अर्थ होता है घर का काम। हम तो अपने घर पे खाना खा लिए, बर्तन धो लिया, मालूम है सर। मेरे घर के बगल में एक आदमी का नाम है पिल्लू। अच्छा, और वो पोसे हैं 10 मुर्गा। अच्छा, और उनका मुर्गा कल 10 बड़ा बड़ा अंडा दिया। अच्छा, मैंने उनका 200 का अंडा चुरा कर आपको खाना खा लिया। तो ये होमवर्क नहीं होता, ये तुमने मुर्गी। चलो यहाँ पे बैठो। अच्छा सुनो, 10 महापुरुष का नाम बताओ। सर जी मुझे तो महापुरुष का तो नाम याद नहीं, लेकिन सर सुने में है कि आज के लोग एक दूसरे को बहुत चूना लगा रहे हैं, इसलिए हम आपको ना पूछें। इसी क्या बोला था उसको, बेवकूफ का लक्षण आपको बता। अच्छा चलो, बेवकूफ का लक्षण बताओ। जी सर सुनिए, बेवकूफ नंबर 1, जैसा कि अपना पिछला पैकेट में रखे पैसा वाला बैग। अच्छा जी सर, बेवकूफ नंबर 2, जैसा कि अपन घर बनाए सड़क से बहुत दूर। अच्छा और टैलेंट है, आगे बोलो आगे बोलो सर। बेवकूफ नंबर क्या होता है 3, जैसे कि अपना छत पर रखे सब के। अच्छा हाँ, और आगे बताओ। उसके बाद सर जी बेवकूफ नंबर 4, जो सर जी बरसात में रहता है ना 4, जीवन कुत्तों से बदतर होता है। मालूम है कैसे? कैसे तो हम मान के चलिए कि हम पिल्लू का मर्डर किए और गवाही में हम आपका नाम दिए। अच्छा ठीक है, इसके बाद मैं अपने घर रहूँगा, पिल्लू अपने घर, और आप दौड़ते रहिए गवाही देने। अच्छा हाँ वो तो सही है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, करेंट कैसे पैदा होता है? सर देखिए बताते हैं, हमको पैदा ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन हमको मापने बहुत है। हाँ ये सही बोल। चलो करेंट कैसे हो गए? देखिए सर, इससे विद्युत धारा है ना, इसमें से हम दो तार खींचेंगे और अपने जीवों में सटाएंगे और उधर से ऑन करेंगे। उसके बाद हमको तो खुद मालूम चल जाएगा, मर जाएगा रे, इससे मर जाएगा तू। जी जी सर, है ना जी। अच्छा बाढ़ के ऊपर क्या कहना है तुम्हारा? बाढ़ के ऊपर अरे सर जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हम तो ऐसे सब क्वेश्चन की तैयार करते हैं। हाँ मालूम है। हाँ बाढ़ के लिए ना हम तो बहुत खुश रहते हैं, तो भगवान से मनाते हैं कि हर साल बाढ़ आएगा। मालूम है क्या है, जब बाढ़ आता है ना हमारा घर बहुत ऊंच पर। अच्छा, और मैं पानी का हवा नहीं घुसता है। सही बात। हाँ और प्लस में दूसरे घर में हम ढुक जाते हैं और उसमें फोटो खिंचवा के सरकार तक भेज देते हैं। वाह, हमको 6,000 आ ही जाता है तो हमको क्या दिक्कत है? तो भगवान के नाम में भाव से बात करते रहे चलो, ठीक है। अगर तुमको DSP बना दिया जाए तो क्या करेगा? अरे सर जी अगर आप तुमको DSP बनाइएगा ना, तो सबसे पहले हम आपको ही को भीतर दे देंगे। अच्छा मालूम है सर क्या है? हाँ हाँ, क्या है कि सर जी इतना महामारी में आपका बकवास हमको सुने उतना दूर से बकवास रहा है। अरे सर जी गुस्सा ही आ रहा है।